शानदार गीत के बाद फिर हम लोग वापस आते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उज्ज्वल राय, न्यूरोफिजिशियन, ऑर्किड हॉस्पिटल रांची। डॉक्टर साहब, ब्रेन से संबंधित बीमारियों के बारे में लोग बहुत पता भी नहीं रहता है जी। ज्यादातर तो लोग साइकेट्रिक प्रॉब्लम को ही समझते हैं जी, कि माथा खराब हो गया है, लेकिन फैक्चुअल है कि लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती है जी। तो ऐसे कौन कौन से सामान्य बीमारियां हैं जो ब्रेन से संबंधित, जो कि ज्यादातर लोगों में होता है, रिपोर्ट होता है जी? मैं आपको इसके बारे में बहुत क्लियर मैसेज देता हूं कि क्या चीजें हैं, साइकेट्री क्या है, न्यूरोलॉजी क्या, न्यूरोसर्जरी क्या है। मैं ये थोड़ी सी भ्रांति रहती है लोगों में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपको ये क्लियर करता हूं। देखिए, कोई भी बीमारी जिसमें कि ऑर्गेनिक कॉज है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से भी आप जो है, आपकी जो है एक पागलपन टाइप का लग सकता है, जो कि एक्यूट पैदा, इवन स्ट्रोक में, स्ट्रोक जिसको हम लोग ब्रेन अटैक बोलते हैं, इसमें ब्रेन हेमरेज और इन्फार्क्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी जो है क्या होता है कि जैसे नली फट जाती है, तो ऐसी जगह में अगर नली फट जाए जहां समझने बूझने की शक्ति ना हो, समझने बूझने की शक्ति जहां से है, जैसे मान लीजिए पैराइटल लोब है, वहां पर समझने बूझने की जो है सेंस की, सेंसरी ये होता है उसमें जो है, तो वर्निक्स एरिया होता है, तो उसमें क्या मरीज जो है उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लगेगा है ना, लेकिन वो पागल नहीं हुआ है, उसको स्ट्रोक आया है। अच्छा। जैसे 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 अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया ब्रेन में, जिसको हम लोग एनसेफलाइटिस बोलते हैं, तो एनसेफलाइटिस में मरीज जो हाथ पैर फेंकने लगता है, उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, कुछ से कुछ बोलने लगता है, तो पागल नहीं हुआ है, उसको एक ब्रेन में प्रॉब्लम है, इस वजह से वो इस तरह से कर रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि इस बात को समझना कि साइकेट्री और न्यूरोलॉजी में यह फर्क है कि साइकेट्री वैसी चीजों को डील करता है जहां पे कोई कॉज नहीं है, जैसे कि डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन का कोई कॉज है, जैसे कि अगर थायराइड है, थायराइड कई बार क्या है, थायराइड का लेवल घट जाने से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वजन बढ़ने लगता है, ये सब चीजें होती हैं, तो थायराइड जो है बेसिक मेटाबॉलिक रेट को ये करता है जी। हाँ। जैसे ही आपका थायराइड लेवल घट गया तो बेसिक मेटाबॉलिक, उसके वजह से वजन बढ़ने लगता है, और ज्यादा जो है आपको याददाश्त की कमी हो जाने हो सकती है, और भी बहुत सारी, थायराइड 1000 चीजों को उत्पन्न कर सकता है। डिप्रेशन बहुत कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म में, जिसमें थायराइड कम जाता है लेवल, तो उस केस में क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है, तो वो साइकेट्री बीमारी नहीं है, ये आदमी जो है एक हाइपोथायराइडिज्म से जो है सफर कर रहा है, इस वजह से उसको है। अच्छा। अब उसमें क्या है कि जैसे अगर आपने सारी कॉजेस को आपने रूल आउट कर लिया कि भाई ये भी नहीं, कोई कॉज ही नहीं है अभी तक, तो ठीक है, उस केस में जो है हो सकता है कि साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़े, तो उसमें भी अभी क्या है, नए जो शोध हो रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिसका कि कॉज मिल जा रहा है लोगों को। अच्छा। कि जो पहले नहीं पता था। तो जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, एक डिस्टोनिया बोल के एक चीज होती है, जो छात्र हैं हमारे वो भी अगर कुछ इससे रिलेटेड अगर हैं, मेडिकल साइंसेस से या इवन जियोलॉजी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा डिस्टोनिया क्या होता है, डिस्टोनिया एक जो है एबनॉर्मल एक्टिवेशन है बॉडी का, तो उसमें मसल्स का, यानी कि एक जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल है, यानी कि एक मसल जैसे आपका, जैसे हाथ आप अगर अपने तरफ खींचते हैं तो एक बाइसेप्स काम करता है, और अगर हाथ को इधर करते हैं तो पीछे से ट्राइसेप्स, तो वो जो है बेसिकली अगर दोनों मसल एक साथ एक्टिवेट हो जाए, है ना, आगे की और पीछे की, तो क्या हो, हाथ एकदम स्टिफ हो जाएगा। हाँ। है ना, इसको हम लोग डिस्टोनिया बोलते हैं। गर्दन मुड़ जाती है कभी लोगों की, आपने देखा हो गर्दन मुड़ जाती है लोगों की इस तरह से, तो इसको जो है पहले लोग समझते थे कि ये पागलपना है, आज से 50 साल पहले जो है लोग समझते थे कि ये जो है पागलपना है, लेकिन जो है आपको क्या कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ये समझ में आया कि नहीं, इसके तो कॉज है, ये ब्रेन में ये प्रॉब्लम होता है, इस वजह से होता है। तो जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, तो कई सारी साइकेट्रिक बीमारियां जो पहले हम लोग समझते थे उसका एक न्यूरोलॉजिकल कॉज मिल रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि किसी को भी जब आप कहते हैं कि भाई ये साइकेट्री पागल हो गया है, तो पागल नहीं कहें किसी को, किसी न किसी समस्या की वजह से वो जूझ रहा है, इस वजह से उसमें जो है वो चीज़ है। हाँ, अब अगर इसमें यह है कि अगर किसी सोशल फैक्टर्स के वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से, अगर उस तरह से है जिसका कोई इंटरनल कॉज नहीं है, अगर आपका कोई कॉज नहीं मिला या स्ट्रेस के वजह से या इस तरह, वो चीज साइकेट्री की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा। लेकिन अगर जैसे कोई कॉज है, जैसे मान लीजिए अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये तो जो है क्या कहते हैं कुछ काम ही नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ, और पता चला उसके ब्रेन में ट्यूमर है, ऐसा भी देखो रखा है कि सर में दर्द होता है थोड़ा मोड़ा और डिप्रेस रहता है, तो साइकेट्रिस्ट पास ले गए, तो बाद में पता चला वो आए हमारे पास घूमते फिरते, बाद में पता चला कि उनको ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर पड़ा हुआ है उस जगह में जहाँ पे ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, तो उसको मतलब बदल कर रख दिया। यस यस। नहीं नहीं, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत व्यापक तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार से मनोचिकित्सक और न्यूरोफिजिशियन में क्या अंतर होता जी, है जी। अब डॉक्टर साहब, जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी खुद में एक बहुत ही इमरजेंसी वर्ड है, हम लोग कहते हैं उसको। यदि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या कोई न्यूरल इमरजेंसी, मिर्गी जैसे,
मिर्गी हो जाए तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि परिवार के लोग समझ सकें इनको न्यूरल इमरजेंसी पड़ा जी। तो जो हमने हम जो वार्तालाप कर रहे थे उसके शुरुआत में हमने जो कहा था वहीं पर दोबारा हम लोग बैक टू बेसिक्स आ जाते हैं। तो ब्रेन का कौन सा एरिया एक्टिवेट हो रहा है, जैसा हमने आपको बताया था कि ब्रेन में तरंगे हैं, तो तरंगों का एक सिस्टम है, जैसे कि आपका जो अगर जैसे तार है, तार से आपने टीवी में दिया इलेक्ट्रिक, उसी तरह से आपने तार से जो है बल्ब में भी दिया है जी हाँ। उसी तरह से उसी तार से आपने जो है ये माइक में भी दिया हुआ जी है। अब ये तार एक साथ ही जा रही है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग लग जाती है जी हाँ। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे ब्रेन में सिस्टम है कि यहाँ से पहले गया कान से वहां सुनाई दिया, फिर वहां से गया मोटर कॉर्टेक्स में गया, मोटर कॉर्टेक्स से फिर जो है नीचे होते हुए ब्रेन स्टेम होते हुए हाथ में आ गया, तो हमने जो है मुट्ठी ऐसे हम लोग बांध रहे हैं या हम लोग जो है पलक झपका रहे हैं। अब इसमें क्या है, एबनॉर्मल एक्टिवेशन अगर हो जाए, हम लोग पहले दौरे की बात कर रहे हैं उसके बाद में स्ट्रोक पे, तो उसमें एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाए यानी कि एक तरह का जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि वो जो सर्किट्स हैं वो आपस में जो है इंटरमिंगल हो जाएं, किसी कारणवश एक्टिवेट हो जाएं गलती से, जिसको एबनॉर्मल एक्टिवेशन बोलते हैं, यानी कि दिस एक्टिवेशन इज नॉट नॉर्मल। तो जो भी एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है सीजर, यानी कि मिर्गी जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पूरे हाथ पैर में झकझोर आने लगता है, यस पूरे हाथ पैर जो है टाइट हो जाते हैं, आदमी की जो है आंख ऊपर हो जाती है, गर्दन टेढ़ा हो जाता है और दांत सड़ जाती है। तो ये क्या है कि देखिए आपका एक साथ सारी चीज एक्टिवेट हो गई, यानी कि एक आग लग गई ब्रेन के हर पार्ट में, आग लग गई। कई बार टॉयलेट भी हो जाता है लोगों को, पैखाना हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो जो ये मतलब बेसिकली क्या होता है, सारी बॉडी पार्ट एक साथ एक्टिवेट सक्रिय हो जी जी। तो ये तो एक चीज हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। तो ये सबसे कॉमनेस्ट हम लोग देखने के लिए हम लोग मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी सीजर जो होते हैं उसके जो है कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि हल्का सा 2-3 सेकंड 4 सेकंड 15-20 सेकंड चुप ऐसे रह जाना, तब उस समय कोई समझ नहीं पाएगा, उसको भी कई बार कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कई बार लोग चिल्लाने लगते हैं, वो भी सीजर हो सकता है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो भी सीजर हो सकता है। देखने में कई बार जो है सामने तारे दिख सकते हैं ऑक्सीपिटल सीजर्स में। तो कौन से एरिया ऑफ ब्रेन जो है वो एबनॉर्मल एक्टिवेट हुआ है, अगर तो पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाए गलती से तो पूरे ब्रेन में हाथ पैर झकझोड़ने, उसको हम लोग जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पार्ट एबनॉर्मली एक्टिवेट हुआ है उसके रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कि एक पहचानेंगे कैसे, जैसे उनके जो गार्जियन है या जो परिवार के लोग हैं कैसे समझेंगे कि कुछ इस तरह का हुआ, इस तरह का वो एबनॉर्मल चीज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैठा हुआ है और 2-4 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए वो जो है समझ ही नहीं पा रहा, चुप हो गया, कुछ नहीं, उसको बोलने पर वो सब आंख सिर्फ ऐसे आंख एक टक 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 देख रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो ये सीजर का लक्षण हो सकता है। अच्छा, या मान लीजिए अगर कोई कहे कि भाई मुझे तारे दिखते हैं थोड़े से और थोड़ा सा क्या करते हैं चुप हो गया कोई कुछ देर तक, वो हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर तक आवाज लड़खड़ा गए और उससे मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ, वो भी सीजर हो सकता है। स्ट्रोक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, सीजर भी हो सकता है। उसके अलावा जो है कुछ देर तक जो है जैसे एक हो सकता है कि जैसे हाथ हल्का एक हल्का टाइट हो गया और गर्दन हल्की से मुड़ गई, बस इतना हुआ, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, वो भी एक सीजर हो सकता है कि भाई हाथ और ये गर्दन वाली एरिया वो सिर्फ एक्टिवेट हुआ, या फिर मुंह एक तरफ मुड़ गया और हाथ ऐसे रहा, बस इतना ही हुआ, बस एक हाथ, क्योंकि वो एरिया सिर्फ एक्टिवेट हुआ, तो पूरी आग नहीं लगी, आग लगी लेकिन थोड़ा फोकल में आग लगी। अच्छा, हाँ, मतलब सिर्फ ये टीवी का तार और एक और तार सट के आग लगी, लेकिन पूरे बिल्डिंग में आग नहीं लगी। अच्छा, मतलब जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोकल सीजर्स। तो फोकल सीजर्स और जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, फोकल सीजर में कौन से पार्ट ऑफ एरिया। तो अब मैं इसमें आता हूँ कि क्या करना चाहिए, हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी में क्या जी, करना जी। तो इस तरह का सीजर पहले मैं बात कर लूँ, फिर स्ट्रोक की बात करेंगे 2 मिनट। झटका जी, इसको झटका या फिर हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं मिर्गी। तो इसमें देखिए कई एक भ्रांतियां हैं। मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात बता दूं कि जो भी एपिलेप्सी का पेशेंट है उसको उससे जरा सा भी कोई छुआछात की बात नहीं होती है। ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा विभ्रांति है, इसको चप्पल सुंघा दो जी, मोजा सुंघा दो, हाँ वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको लिटा दें, सब एक प्लेन सतह पे उसको लिटा दें और साइड कर दें, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि उसको एस्पिरेशन की चांसेस रहती हैं, अपनी ही थूक को जो है वो घोट लेता है और वो छाती में चला जाता है, उसको घोटने में, हाँ फेफड़े में, फेफड़े में जाने की वजह से उसको एस्पिरेशन हो जाता है और इस तरह से जो है जान भी जा सकती जी, जान भी जा सकती है। तो उसको बाएं करवट लिटा दें, हाँ किसी भी करवट, बाएं या दाहिने, डिपेंडिंग अपॉन क्या है, इजी है, उसको लिटा दो प्लेन सतह पे। और उसके बाद जो है नजदीकी जल्दी जल्दी जो है अगर कोशिश करें कि उसको चिकित्सक, क्योंकि वो दवा एक होती है, कई बार सीजर अपने आप से भी रुक जाता है, लेकिन रुक भी जाता है तो भी चिकित्सक के पास जरूर ले जाएं, जरूर ले कि क्या कारण है वो समझने के लिए, फिर आगे उसकी जो है ये करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सामाजिक स्तर पर चूंकि चीज है इसमें मैं बोलना चाहूंगा। इसमें देखिए क्या है, बहुत विभ्रांतियां सीजर को लेके, मैं इस पे खुद ही काम कर रहा हूं। जो सीजर का जो भी मरीज है वो नॉर्मल मरीज है, मतलब मिर्गी, मिर्गी जो भी मिर्गी का जो भी मरीज है वो एक नॉर्मल मरीज है, वो एक नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है कर सकता है,
और कोई भी ये जो है ऐसा नहीं है कि उस परिवार में, उस सीजर अगर किसी को हो गया तो परिवार में चलेगा, इस तरह की विभ्रांतियां बहुत ज्यादा है समाज में कि कोई जिसको अगर किसी फीमेल को अगर सीजर है तो शादी में मुश्किल आ जाती है। इवन एक सोसाइटी है जिसका कि मैं जो है मैं ईस्टर्न इंडिया का मेंबर हूँ एंड जिसमें कि हमारे कुछ न्यूरोलॉजिस्ट ने पैन इंडिया जो कि चंडीगढ़ वगैरह से हैं, जो हमारे बहुत सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं कंट्री के, बहुत पायनियर हैं, उन्होंने एक ऐसा ये किया कि मैरिज काउंसलिंग, अच्छा कि मैरिज काउंसलिंग जिनको एपिलेप्सी है, जिन फीमेल्स को, उनके लिए मैरिज काउंसलिंग की भाई क्या है कि देखिए अगर फीमेल्स, अगर आप जैसे कॉमन चीज है ये हमारे इवन हमारे समाज में भी हम देखते हैं कि भाई पूछते अच्छा उसके घर में वहाँ एपिलेप्सी होता है उसको, अच्छा उसको एपिलेप्सी होता है, नहीं भाई उस घर में शादी नहीं करनी है। इस तरह की विभ्रांतियां समाज में बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज कहना चाहूंगा कि जिसको भी सीजर है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको एक तो पहले वो भी ट्रीट हो सकता है और उसके परिवार में सीजर हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि ब्रेन में उसके कीड़ा हो गया हो। तो सबसे कॉमनेस्ट हम लोग देखते हैं एपिलेप्सी का कॉज कीड़ा के वजह से होता है, जो कि गंदा पानी की वजह से, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं सही पानी से नहीं धोने की वजह से वो होता है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस हम लोग बोलते हैं, उसके वजह से कॉमनेस्ट जो है वो सीजर होता है। तो ये सीजर होता है, इसको इसकी दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, कुछ दिन बाद दवाइयाँ छूट जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कई व्यक्ति ठीक हो जाता है, कई बार दवाइयाँ लंबे टाइम तक खानी पड़ती है लेकिन मरीज ठीक रहता है, कोई ऐसी बात नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको सीजर हुआ तो उसके बच्चों को भी होगा, उसके परिवार में हो गया, ये विभ्रांतियों को, मतलब मिर्गी अनुवांशिक नहीं है। जी अनुवांशिक है, कुछ हद तक है, लेकिन हर मिर्गी अनुवांशिक नहीं। अच्छा, हर मिर्गी अनुवांशिक? जी हर मिर्गी अनुवांशिक। ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। एक बहुत सामान्य जो प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक, नहीं ब्रेन स्ट्रोक को भी हम लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन जो सामान्य जो बहाने बनाते हैं, आज स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, आज मेरे सर में दर्द है। जी जी, है ना जी। तो सर दर्द जो है यह खुद में ही एक बहुत अचंभा वाला चीज है, क्योंकि उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सर सिर दर्द के क्या कारण है, और अगर सिर दर्द हो तो क्या करना चाहिए? जी ये बहुत अब देखिए, मैं इसमें आपको एक ही कहना होगा कि धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको सर दर्द नहीं, जिसको सर है उसको सर दर्द होगा। हाँ। तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है धरती पे जिसको कि सर दर्द नहीं होगा, जिसके पास सर है उसको सर दर्द होना ही होना ही। हाँ, ये चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी। लेकिन अब इसमें है कि किसको हम लोग सीरियसली लें और क्या। तो इसमें ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है कि किसी भी सर दर्द को फर्स्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंस आपको हल्के से नहीं लेना है, पहली बात ये हो गई। लेकिन किस सर दर्द को आपको बहुत ही सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, और किसको आप आराम से मिल सकते हैं डॉक्टर से, इसका मैं जवाब दूंगा आपको। तो इसमें ऐसा है कि दो तरह की हेडेक्स होती हैं, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। तो सेकेंडरी हेडेक वो हेडेक्स हैं जो कि डेंजरस हेडेक्स हैं, जिनका कॉज होता है जैसे ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, ये सारी सेकेंडरी हेडेक्स होती हैं। इसके अलावा प्राइमरी हेडेक होती है। प्राइमरी हेडेक में जो है कॉमनली हम लोग माइग्रेन के बारे में हमें पता है, एक TTH टेंशन टाइप हेडेक, उसके अलावा एक क्लस्टर हेडेक होता है, और कई एक छोटी छोटी और बीमारी बदलने से भी सर दर्द। जी जी जी। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है ना कि कौन सा हेडेक ऐसा है जो कि जिसको कि हम लोग को इम्पोर्टेंटली बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, और उसको हम लोग को इमीडिएट विदाउट फेल तुरंत जो है पहुंचना चाहिए डॉक्टर। यस। तो उसमें हम लोग एज ए न्यूरोलॉजी, हम लोग न्यूरोलॉजी के स्टूडेंट्स में हम लोग समझते हैं कि रेड फ्लैग, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ हेडेक, यानी कि कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं वो अगर आ रही हैं वो खतरे की झंडी है। तो क्या क्या है? सबसे पहला है कि अगर न्यू ऑनसेट हेडेक है, आपको पहले कभी हेडेक नहीं हुआ वैसा सीवियर, आपको अचानक से लग रहा है कि नहीं ये कुछ नई चीज़ है, तुरंत चिकित्सक से मिले, एक नंबर चीज़। दूसरी चीज़, पुरानी हेडेक जो है वो जो है बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एक्सट्रीम पे, या लग रहा है कुछ नई बात है कुछ, या वो हेडेक नहीं है जो पहले था, तुरंत हेड मिले। तीसरा, रात में अगर सोने से जो है जगा दे हेडेक तो वो जो है तुरंत मिले आप। अच्छा, सोने के बाद हेडेक शुरू हो जाए, सोने के बाद हेडेक शुरू, जग गए तो ये भी डेंजर साइन है। लेटनेस हेडेक अगर बढ़ रहा है आपका वो भी डेंजर साइन है। इसके अलावा खांसने या फिर जो है क्या कहते हैं छींकने से हेडेक आपका बढ़ रहा है वो भी जो है इसका ये है। इसके अलावा हेडेक के साथ अगर कुछ फीवर आ जाए या फिर जो है कुछ सिम्टम आ जाए, जैसे वीकनेस आ गया हाथ में, या फिर कुछ बोलने में लड़खड़ाहट आ गई, या इस तरह की बातें, कुछ भी सिम्टम अगर हेडेक के साथ आ रहा है तो वो डेंजरस है। उसको इमीडिएटली, हो सकता है कि आपके जो है ब्रेन में इन्फेक्शन हो, सकता है स्ट्रोक आ रहा हो सकता है कि क्या कहते हैं कुछ ट्यूमर हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो कि यस खतरा है। अब हम आ जाते हैं कॉमन हेडेक्स पे। तो कॉमन हेडेक यानी कि प्राइमरी हेडेक, तो माइग्रेन, TTH जिसको हम लोग टेंशन टाइप हेडेक भी बोलते हैं, और क्लस्टर हेडेक। तो माइग्रेन जो है देखिए ये सेंसिटिविटी की बीमारी है। तो माइग्रेन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि माइग्रेन कैसे हम समझें। तो माइग्रेन जैसे एक तरफ का हेडेक हो सकता है जो है उसमें उल्टी आ सकती है मरीज को, लाइट की तरफ देखने में परेशानी, आवाज़ में परेशानी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
और वो हेडेक जो है उसमें जो है हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि खाली पेट नहीं रहना है आपको, ट्रिगर्स, क्योंकि माइग्रेन में ट्रिगर्स होते हैं, तो इस तरह की ट्रिगर जब जब तक रहेंगे तब तक माइग्रेन आपका कंटिन्यूअस रहेगा। अच्छा। नहीं तो उसमें माइग्रेन में कहते हैं कि ट्रिगर्स को जो है आप जैसे जैसे कम करेंगे। कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं? ट्रिगर्स जैसे जैसे उसमें लाइट का ट्रिगर होता है, उसके अलावा खाली पेट अगर आप रहते हैं, बहुत देर तक भोजन नहीं करते हैं, खाली पेट बहुत रहते हैं, रूटीन नहीं फॉलो करते हैं, रात में सोने जगने का टाइम फिक्स करना पड़ता है, मसालेदार खाना, खट्टा खाना, वो सब कम करना पड़ता है। उसके अलावा और भी कुछ लोगों को, जैसे किसी लोगों को गंध की ट्रिगर होती है, कुछ गंध सूंघने से हो जाता है माइग्रेन। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है आप पे भी, लेकिन कॉमनली ये सारी ट्रिगर्स हैं जो हमने बताया आपको, लाइट ज़्यादा, एक्सेसिव लाइट, उसके अलावा जो है एक रात में सोने जगने का टाइम में प्रॉब्लम, वो चीज़ हो गया, तनाव भी कई बार, तनाव से और माइग्रेन भी बढ़ता है, लेकिन तनाव से टीटीएस भी होता है। लेकिन मेनली जो हमने आपको बताया कि खाने में, खाने पीने में जो है एक दिनचर्या, रात में सोने जगने की दिनचर्या, और फ्रेश जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना, जंक फूड को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें जो है माइग्रेन में हेल्प करती हैं। निश्चित रूप से आज के युवा जो है वो काफ़ी रात में काफ़ी देर तक वो मोबाइल का भी सर्विसेज यूज़ करते हैं जी, तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? नहीं तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे मोबाइल की लाइट जो है वो आर्टिफिशियल लाइट है, वो इवन सनलाइट से भी ज़्यादा खतरनाक है। अरे तो उससे जो है इस तरह की ट्रिगर्स हो सकती हैं, और आपको जो माइग्रेन जो बिल्कुल सिंपल लेवल पे है वो बढ़ सकता है। तो माइग्रेन एक बार बढ़ जाए तो बहुत बड़ा बर्डन है। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टडी हुई थी जहां पे कि उन्होंने मॉर्बिडिटी को देखा। मॉर्बिडिटी का मतलब है कि आपके जो आपने जो दिनचर्या आप कर रहे हैं, एक होता है मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी का मतलब है कि यस कितने मृत्यु की जो दर है, एक है मॉर्बिडिटी यानी कि कितने आपके जो है एक्टिव ईयर्स लॉस हुए, यानी कि आप एक्टिव कितने दिन नहीं रह पाए, कितना दिन जी सकते थे और कितना आपने अपना जीवन। हाँ मतलब नहीं तो मतलब मॉर्बिडिटी में का मतलब है कि मरना का नहीं, मॉर्बिडिटी का मतलब है कि आप जैसे एक्टिव हैं तो एक्टिव नहीं रह पाए आप, जैसे आप नहीं काम कर पाए, आप बेड पे हैं, अपनी दिनचर्या नहीं कर पाए, अपना जो है सोशल वर्क नहीं कर पाए, अपना काम नहीं कर पाए। अच्छा। आप जो है उसके उस बीमारी की वजह से आप जो है वो सारी चीज़ें मॉर्बिड हो गया, मॉर्बिड स्टेट का मतलब है कि आप बेड पर आ गए, या फिर आप नॉर्मल रूटीन आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप ऑफिस जाना नहीं जा पा नहीं जा पा रहे। हाँ तो इसको मॉर्बिडिटी बोलते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टडी हुई थी, तो उसमें देखा गया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके वजह से जितनी मॉर्बिडिटी है, ठीक उसके बाद माइग्रेन की मॉर्बिडिटी है, यानी कि माइग्रेन इतना ज़्यादा कॉमन है, इवन इंडिया में भी कॉमन है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ स्टडीज़ कम होती हैं तो वहाँ स्टडी ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पता चलता है शोध ज़्यादा होता है, तो वहाँ देखा गया कि माइग्रेन इतना कॉमन है कि उसके वजह से जो है दिनचर्या नहीं पूरा कर पाते, नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ नहीं ठीक से कर पाते हैं, ऑफिस में ड्रॉपआउट्स होती हैं, स्कूल ड्रॉपआउट्स हैं, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं माइग्रेन की वजह से, डिप्रेशन होता है, उसके अलावा जो है हाइपोथायरॉइडिज्म, ये सारी एसोसिएटेड रहती हैं उनके साथ। तो एक बहुत बड़ा जंजाल है। इसके लिए सिंपल चीज़ है, प्रिकॉशन रखिए, एक नॉर्मल दिनचर्या को ये करिए, आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वो सब सारी चीज़ें देखिए। योगा को जो है अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया है, ऐसी चीज़ हमारे यहाँ पर इंडिया से ऐसी चीज़ निकली। हमें मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप आयुर्वेद को नहीं, मैंने कहा देखिए जहाँ शोध है उसकी बात करूँगा मैं, योग को अमेरिका ने भी अपनाया है, तो योग से बहुत फायदा मिलता है। अच्छा जरा योग पर भी बात हो जाए हम लोग जी, ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से योग आसन, वैसे तो योगासन में बहुत व्याख्या किया जी, गया जी, है जी, जी, लेकिन चूंकि आप एक थोड़ा साइंटिफिक टच लेते हुए जी जी, किस किस तरह के आसन सामान्य लोगों को करना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, बेसिकली एक तो आपकी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, उसके अलावा ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन के लोगों को हम लोग भ्रामरी के लिए कहते हैं, ये बहुत ही साइंटिफिक है भ्रामरी। हाँ, हाँ जबकि मैं आपको बताऊं कि मेरी प्रथा नहीं है ये, लेकिन हमने इस पर भी रिसर्च किया थोड़ा। अच्छा। तो एक ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बोल के चीज होती है, जिसमें कि आपके दोनों कान में आप पहना देते हैं, वो आपका भी आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे, एम्स में या पीजीआई चंडीगढ़ में, इन सब जगहों में, एसीपीजीएम, तो वहाँ पर वो कान में पहना देते हैं और वो दोनों तरफ से जो है वो मैग्नेटिक वेव्स जो है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन डिप्रेशन में, उसके अलावा माइग्रेन में भी इसका रोल है, और भी नई नई चीज़ों में रोल आ रहा है, स्टडीज़ हो रही हैं। आप कुछ भी नहीं है, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेट बहुत बड़ी मशीन है, उसमें बहुत पैसा लगता है, कुछ नहीं है, आँख नाक बंद कीजिए और भ्रामरी कर लीजिए, बात बराबर है। वैसे ही झंझनाहट आपको फील हो, झंझनाहट फील होती है। हाँ तो वो जो झंझनाहट है वो ट्रांसक्रेनिक, कभी ट्रांसक्रेनिक मैग्नेट स्टिमुलेशन मेरे जो है हमने देखा, हमने कहा ये तो हमारे योग में जो है, ये हम योग से जुड़ा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने कहा ये तो योग के बराबर, वो तो भ्रामरी, वो सेम चीज़ है। तो वही तो अमेरिका वाले तो क्यों, देखिए आज के डेट में अमेरिका इतना बड़ा पावर है, उसने योग को एक्सेप्ट किया है। हर इवन आप समझिए जो हमारी सबसे बड़ी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी हैरिसन और इस तरह की टेक्स्ट बुक्स में योग का ही हर चीज़ हर वहाँ पर उसका हैरिसन रूल ऑफ जी
पीस जो है जी है ना, जी जी, सात पॉइंट उन्होंने लिखा है, जी जी जी, मैं भी कहीं पढ़ रहा था, वो हमारे योग से ही लिया गया, जी जी। तो इस तरह से जो है देखिए, योग जो है हर ने, हर कंट्री ने, जो जो विकसित कंट्री है, जो उसने एक्सेप्ट किया है योग को, योग के फायदों को एक्सेप्ट किया है, और अब वो समझ रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, और अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में, अपने हर जगह उसकी इंक्लूजन हो रही है, और काफी शोध भी हो रहा है। जी साहब, जी डॉक्टर साहब, थोड़ा ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जी थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानना चाहेंगे जी, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और एक गीत की फरमाइश आपसे है कि आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं, किस तरह के गीतों को पसंद करते हैं। अब यंग जनरेशन में लोग के लोग हैं तो उनको भी कुछ सुना दीजिए इस तरह की चीजें। किशोर कुमार को बहुत लोग पसंद जी, करते हैं जी जी। तो किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो अभी आप सुन।